हाय व्यूवर्स, तो आज हम गर्मियों के लिए चटनी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए इंग्रेडिएंट है धनिया, पुदीना और प्याज, नींबू, आंवला और हरी मिर्च और लाल मिर्च, जो मेन इंग्रेडिएंट है इसके। बहुत ही टेस्टी चटनी बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने प्याज को डाल लिया है कट करके अच्छे से, और अब हम इसमें डालेंगे लाल और हरी मिर्च ताकि टेस्ट बढ़िया आए, और थोड़ा आंवला, आंवला जो कि आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और गर्मियों में के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये, और पुदीना और धनिया। पुदीना ठंडक देता है और धनिया हमारे शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैंने 1 चम्मच के लगभग नमक डाला है, और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। हम इसको अच्छे से चला लेंगे। जैसी भी हमें चटनी गाढ़ी या पतली जैसी बनानी हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से चलाएंगे। हमें हमेशा बारीक पत्ती वाला पुदीना ही यूज़ करना चाहिए, उससे चटनी का टेस्ट अच्छा आता है। बड़े पत्ते वाला पुदीना टेस्ट में अच्छा नहीं होता। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, मैंने इसमें 4 नींबू का रस डाला है, जिससे हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और इसमें हमने और ऐड कर लिया थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर। और अब हम इसमें एक खास इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने इसमें इलायची पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाला है। तो अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। हमें गर्मियों में पुदीने की चटनी तो ज़रूर खानी चाहिए, इससे हमारा हाजमा अच्छा हो जाता है और हमारा डाइजेशन बढ़िया हो जाता है। जो भी हम खाते हैं उससे हजम हो जाता है खाना। तो इस तरह से हम इसको स्टोर कर लेंगे, सारी चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। हम इस चटनी को 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं इजीली, और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जितना हम प्योर एकदम से बनाते हैं किसी चीज़ को, उसका टेस्ट बढ़िया आता है। स्टोर तो हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें फ्रेश ही खाना चाहिए कोई भी चीज़ को, चटनी तो और बिल्कुल फ्रेश खानी चाहिए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, ये चटनी जो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी करें। तो मैं इसी तरह से और नई वीडियो के साथ आपके लिए आगे लाती रहूँगी। थैंक यू।